तो हेलो गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा घर बैठे ऑनलाइन अपने आधार कार्ड के साथ अपने मोबाइल नंबर किस तरीके से लिंक करना है। तो मैं आप लोगों को जो तरीका दिखाऊंगा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिशियल तरीका है। आप उस तरीके की मदद से अपने आधार कार्ड के साथ अपना मोबाइल नंबर घर बैठे लिंक कर सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, सो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज का ये वीडियो चालू शुरू स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को क्रोम ब्राउजर एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद गाइस आप लोगों को यहाँ पर सर्च बार पर टाइप करना है आधार, उसके बाद सर्च करना है। उसके बाद गाइस आप लोगों के सामने आधार का ऑफिशियल वेबसाइट UIDAI देखने को मिल जाएगा। तो आप लोगों को इस वेबसाइट को ओपन करना है, ये आधार का ऑफिशियल वेबसाइट है। उसके बाद गाइस आप लोगों को यहाँ पर ऊपर एक बैनर देखने को मिल जाएगा, माय आधार वन पोर्टल फॉर ऑल ऑनलाइन सर्विसेज। तो आप लोगों को इस बैनर के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइस आप लोगों के सामने एक दूसरा पेज खुल के आ जाएगा। तो आप लोगों को यहाँ पर सिंपली से स्क्रॉल डाउन करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर ऑर्डर आधार PBC कार्ड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पर एक तीसरा पेज खुल के आ जाएगा। तो आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले आपका जो आधार कार्ड का नंबर है उसको यहाँ पर डालना है। उसके बाद यहाँ पर जो कैप्चर कोड देखने को मिलता है, इस कैप्चर कोड को आप लोगों को यहाँ पर नीचे फिल कर देना है। तो गाइस मैं यहाँ पर फटाफट से मेरा आधार कार्ड नंबर और इस कैप्चर कोड को फिल कर देता हूँ। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है, आप लोगों को यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, माय मोबाइल नंबर इज नॉट रजिस्टर्ड। तो आप लोगों को यहाँ पर इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप जो भी मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड के साथ लिंक करना चाहते हैं उस मोबाइल नंबर को आप लोगों को यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर सेंड OTP के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, उस OTP को आप लोगों को यहाँ पर नीचे डालना है। तो गाइस यहाँ पर हमारा OTP आ चुका है, तो मैं यहाँ पर OTP को डाल देता हूँ। OTP को डालने के बाद गाइस आप लोगों को यहाँ पर नीचे टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री कर लेना है। तो मैं यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री कर लेता हूँ। उसके बाद गाइस आप लोगों को यहाँ पर नीचे सबमिट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद गाइस आप लोगों को यहाँ पर ओके के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद गाइस आप लोगों को यहाँ पर फिर से टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री कर लेना है। एग्री करने के बाद गाइस आप लोगों को यहाँ पर नीचे मेक पेमेंट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद गाइस आप लोगों को यहाँ पर बताया जाएगा आपके आधार कार्ड के साथ आपको मोबाइल नंबर लिंक करने के लिए आप लोगों को यहाँ पर 50 रुपीज पे करना होगा। तो आप लोगों को यहाँ पर 50 रुपीज पे कर देना है। पे करने के लिए आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाता है। आप चाहते हैं यहाँ पर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, वॉलेट, नेट बैंकिंग, UPI, पेटीएम, सबकी मदद से आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद एक दो हफ्ते के अंदर आपके आधार कार्ड के साथ आपका मोबाइल नंबर लिंक हो जाएगा। सो गाइस जिस तरीके से आपको घर बैठे ऑनलाइन आपके आधार कार्ड के साथ आपको मोबाइल नंबर लिंक करना है। तो आज के इस वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट कोई ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।